तो अब हम लोग का जो टॉपिक्स है वो है सीओपी ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, कि वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल्स का सीओपी हम कैसे निकालेंगे और इसका सीओपी हमको कितना होगा। ठीक है, तो जैसे कि वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में अभी हम लोग पढ़े हैं कि इसमें कंप्रेसर को हटा के हम एब्जॉर्बर, पंप, जेनरेटर, रेक्टिफायर, रीजेनरेटर ये लगाते हैं, बाकी कंडेंसर, थ्रोटल वाल्व और जो इवेपोरेटर है ये तीनों कॉमन होता है वेपर कंप्रेशन में भी और वेपर एब्जॉर्प्शन में भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सीओपी वेपर एब्जॉर्प्शन का कोई भी सीओपी मतलब क्या हो गया, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस जो हो गया ये इसका मतलब कोई भी साइकिल हो फॉर्मूला वही होता है कि ये हमारा हो गया डिजायर आउटपुट, यानी कि जो हम उस साइकिल से जो हमको आउटपुट मिलता है जो हमारा डिजायर है, अब बाय इनर्जी इनपुट इनर्जी जो भी हम लोग इनर्जी इसमें इनपुट करते हैं वही ना, यही दोनों का रेशियो ही तो हमारा सीओपी ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल क्या हो जाएगा, डिजायर आउटपुट। तो डिजायर आउटपुट जो किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल से हमें मिलता है वो हमको जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो मिलता है रेफ्रिजरेशन साइकिल में वही हमारा क्या हो गया, डिजायर आउटपुट हो गया। और जो भी यहाँ पर इनर्जी की हम लोग सप्लाई करते हैं, तो जैसे वेपर कंप्रेशन में हम कंप्रेसर में वर्क दे करके इनर्जी सप्लाई, वहां पर कंप्रेशन वर्क हो गया, जबकि वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में जो इनपुट इनर्जी है वो हीट जो जनरेटर से में जो हम एक्सटर्नल सोर्स से जो हीट दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग वही हमारा क्या हो गया, इनपुट इनर्जी हो गया, है ना। और एक पंप हुआ, तो पंप का वर्क को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इसके स्मॉलर वैल्यू के कारण। तो यहाँ पर जो एकमात्र जो हमारा इनपुट इनर्जी है वो है क्यूजी, क्यूजी यहाँ पर है कि हीट सप्लाइड इन जनरेटर। ठीक है, तो हीट सप्लाइड इन जनरेटर ये दोनों का रेशियो ही हमारा क्या होगा, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का सीओपी होगा। तो जैसे कि हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं कि ये आर एक क्या है, एक रेफ्रिजरेटर है, ये रेफ्रिजरेटर ऐसा है जो कि हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल के ऊपर ये रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है। तो जैसे अभी हम बताए थे कि वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में जो हीट रिजेक्ट होता है वो कंडेंसर और एब्जॉर्बर में रिजेक्ट होता है, ठीक है, और सिस्टम में जो हीट की सप्लाई होती है वो जनरेटर में हीट का सप्लाई करते हैं हम लोग और इवेपोरेटर में स्टोरेज से हीट का सप्लाई होता है। हम मान लेते हैं कि जनरेटर का टेम्परेचर TG जनरेटर का टेम्परेचर है और TE जो है सो इवेपोरेटर का टेम्परेचर है और टी नॉड हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा सराउंडिंग यानी एटमोस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, टी नॉड है। तो जनरेटर का टेम्परेचर टी है, यहाँ से हम लोग क्यू जी इनर्जी का क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं हम अपने सिस्टम में, यानी रेफ्रिजरेटर जो भी है यहाँ पर क्यू जी अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटर में सप्लाई हो रहा है। वही क्यू ई ये हमारा है कि इनर्जी एब्जॉर्ब इन इवेपोरेटर, यानी अमोनिया जो हीट को एब्जॉर्प्शन कर रहा है इवेपोरेटर में, क्यू ई यही हमारा क्यू ई, एक तो यही हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी होगा, क्यू ई ही हमारा क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ हीट जो इवेपोरेटर में एब्जॉर्ब किया जाता है रेफ्रिजरेंट के द्वारा उसी को हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो क्यू ई मान लेते हैं कि हीट एब्जॉर्ब इन इवेपोरेटर है। अब देखिए यहाँ सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में एक तो कंडेंसर में जो हीट रिजेक्ट होता है, कंडेंसर से भी हीट रिजेक्ट होके सराउंडिंग में जाता है और यहाँ पर एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से जो भी हीट एब्जॉर्बर में जनरेट करता है वो हीट भी फाइनली रिजेक्ट होके कहाँ जाता है, सराउंडिंग में जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि क्यू ए जो है अमाउंट ऑफ हीट जो रिजेक्ट हुआ कहाँ पे, एब्जॉर्बर में,
और क्यू आर हम लोग यहाँ पर दे देते हैं कि ये हीट रिजेक्ट हुआ कंडेंसर में, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्यू आर जो है हीट रिजेक्टेड रिजेक्टेड इन कंडेंसर, ये कंडेंसर में जितना हीट रिजेक्ट हुआ वो क्यू आर है, और क्यू ए है हीट रिजेक्टेड इन एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर में ये हीट रिजेक्ट है, क्यू जी यहाँ पर क्या है तो हीट यहाँ पर सप्लाइड, यहाँ रिजेक्टेड नहीं होगा बल्कि यहाँ क्या होगा सप्लाइड इन जनरेटर, जनरेटर में जो हीट सप्लाई हो रहा है, और क्यू ई जो है ये हमारा हो गया हीट सप्लाइड इन इवेपोरेटर, जो इवेपोरेटर में सप्लाई हो रहा है, यही हमारा क्या है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है। तो अब देखिए, अब हमारा जो है देख रहे हैं कि क्यू जी और क्यू ई ये दोनों ही रेफ्रिजरेटर यानी सिस्टम में, अगर हम रेफ्रिजरेटर को एक सिस्टम मान ले तो क्यू जी और क्यू ई दोनों सिस्टम में आ रहा है, क्यू आर और क्यू ए दोनों ही सिस्टम से जा रहा है, ठीक है। टी जी जनरेटर का टेम्परेचर, टी ई इवेपोरेटर टेम्परेचर, और टी नॉट जो होता है सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर का अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे बड़ा इसमें जो टेम्परेचर का वैल्यू होगा वो जनरेटर का टेम्परेचर सबसे बड़ा होगा, क्योंकि जनरेटर में हम हीट की सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर वहां पर राइज करेगा, तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा जनरेटर में होता है। उसके बाद जो है टेम्परेचर किसका हो गया कि एब्जॉर्बर का, एब्जॉर्बर का फिर टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी ना वो सराउंडिंग में रिजेक्ट करेगा हीट को, टी नॉट उससे छोटा होगा सराउंडिंग टेम्परेचर, है ना। देखिए एब्जॉर्बर का टेम्परेचर ज्यादा होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तब जा करके एब्जॉर्बर का हीट सराउंडिंग में रिजेक्ट होगा। तो टी ए बड़ा है किससे, टी नॉट से, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर से, और सबसे छोटा क्या है इवेपोरेटर टेम्परेचर, जहां पर हमको कूलिंग इफेक्ट मिलता है तो उसकी टेम्परेचर क्या होगा सबसे लोअर वैल्यू होगा। तो ये टेम्परेचर का ऑर्डर होगा चारों डिवाइस में, ठीक है। तो अब अगर हम मान लेते हैं कि इसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो जैसे क्लॉसियस इनइक्वलिटी में कि जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, अगर प्रोसेस अगर रिवर्जिबल है, अगर इरिवर्जिबल प्रोसेस है, अगर प्रोसेस क्या है इरिवर्जिबल है तो डी एस ग्रेटर देन होगा जीरो से, और अगर ये रिवर्जिबल है तो फिर डीएस जो होगा वो बराबर होगा जीरो के, यानी चेंज इन एंट्रोपी रिवर्जिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है जीरो होता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि इफ ए रेफ्रिजरेटर, अगर हमारा जो रेफ्रिजरेटर है इज ए रिवर्जिबल रेफ्रिजरेटर, अगर ये हमारा क्या हो रेफ्रिजरेटर अगर रिवर्जिबल रेफ्रिजरेटर होगा तो फिर इसके लिए जो इक्वेशन होगा कि इसमें जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो जीरो होगा। तो चेंज इन एंट्रोपी जो होता है वो सिस्टम का होता है, सिस्टम सिस्टम का चेंज इन एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग, सराउंडिंग का इस चेंज इन एंट्रोपी, और ये दोनों ही बराबर होना चाहिए जीरो। तो चूंकि टोटल एंट्रोपी में सिस्टम और सराउंडिंग दोनों आता है इसीलिए हम सिस्टम का सराउंडिंग प्लस सॉरी सिस्टम का चेंज इन एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग का चेंज इन एंट्रोपी बराबर होगा जीरो। अब देखिए एंट्रोपी का डायरेक्ट रिलेशन होता है हीट से, ठीक है। अगर सिस्टम में हीट आएगा तो एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ेगी, अगर सिस्टम से हीट का रिजेक्शन होगा तो सिस्टम की एंट्रोपी घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर है तो हम देख रहे हैं क्यू जी और क्यू ई ये दोनों सोर्स ऑफ हीट जो है वो सिस्टम में आ रहा है, और जबकि कंडेंसर में जो हीट रिजेक्ट हो रहा है क्यू आर, और क्यू ए जो एब्जॉर्बर में हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों ही अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिस्टम से निकल रहा है। क्यू आर और क्यू ए के लिए जो एंट्रोपी है वो सिस्टम में घटेगा, जबकि क्यू जी और क्यू ई के लिए जो सिस्टम में हीट है वो एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगा। तो देखिए क्यू जी यहाँ पर क्या करेगा,
बढ़ाएगा, तो यहाँ पर हम लोग जो है एक को हम लोग माइनस सिंबल लेते हैं और एक को हम लोग प्लस साइन लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रोपी यहाँ पर क्यू जी आने से क्या होगा, इंक्रीज होगा, और क्यू आर क्यू ए जाने से ये डिक्रीज होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर क्यू जी बाई पी जी ये चेंज इन इंट्रोपी हुआ इसके कारण जनरेटर में, है ना। तो अगर इसको हम लोग एज एक निगेटिव साइन ले, ये आने वाला को, अब फिर माइनस हो जाएगा क्यू ई बाय टी ई, ये हो गया। मतलब ये क्यू ई हीट आने के कारण चेंज इन एंट्रोपी, और क्यू ए क्यू आर और क्यू ए दोनों ही सिस्टम से निकल रहा है, तो इसको हम लोग प्लस साइन ले लेते हैं। तो क्यू आर प्लस क्यू ए, है ना, दोनों का दोनों ही जा रहा है किसमें, सराउंडिंग में। तो दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दोनों के लिए जो टेम्परेचर वैल्यू हो जाएगा यहाँ टी नॉट, क्योंकि ये दोनों का दोनों सराउंडिंग में जा रहा है। आ क्यू जी है कि टी जी इससे निकल रहा है, मतलब देखिए माइनस साइन जो यहाँ यूज किए हैं वो हमारा जनरेटर से हीट का क्या हो रहा है, यहाँ से टी जी जो टेम्परेचर है ये सिस्टम में जा रहा है, तो जनरेटर का हीट लॉस हो रहा है, यानी टी जी इसमें से हीट क्यू जी निकल रहा है। टी ई जो इवेपोरेटर है इसमें से भी ये क्यू ई जो है ये निकल के आर में जा रहा है, और यहाँ से ये क्यू आर और क्यू ए जो है वो ये टी नॉट टेम्परेचर बॉडी में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए माइनस क्यू जी बाई टी जी माइनस क्यू ई बाई टी ई अब प्लस क्यू आर प्लस क्यू ए बाई टी नॉट बराबर क्या होगा, ये जीरो होगा। तो अब हम लोग लगाते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी से, कि जितना थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि जितना इसमें हीट सिस्टम में आ रहा है उतना ही रिजेक्ट हो रहा है, इनर्जी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी जो क्यू जी आप प्लस क्यू ई ये दोनों सिस्टम में आ रहा है ये बराबर होगा क्यू आर अप प्लस क्यू ए के, जो ये सिस्टम से ये निकल रहा है और ये दोनों आ रहा है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्यू आर प्लस क्यू ए का के बदले जो है यहाँ पर क्यू आर अप प्लस क्यू ए है, इसके बदले हम लोग पुट कर देते हैं क्यू जी प्लस क्यू ई, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा इक्वेशन हो जाएगा कि माइनस क्यू जी बाई टी जी और माइनस क्यू ई बाई टी ई, है ना, और प्लस जो अभी क्यू जी अब प्लस क्यू ई मतलब क्यू ए प्लस क्यू आर है उसके बदले हम लोग क्यू जी प्लस क्यू ई डाल देते हैं बाय, यहाँ टेम्परेचर टी नॉट है, ये बराबर होगा जीरो के। अब हम लोग क्यू जी वाला को एक तरफ कर लेते हैं और क्यू ई वाला को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये देखिए माइनस साइन में है, ये प्लस साइन में है, तो यहाँ पर क्यू जी बाय टी नॉट माइनस क्यू जी बाय टी जी ये इस साइड रह गया, और ये बराबर हो जाएगा इस टर्म को, यहाँ पर इस टर्म को इधर उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा क्यू ई बाय टी ई, आ ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा क्यू ई बाय टी नॉट बराबर जीरो। अब यहाँ से क्यू जी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वन बाय टी नॉट माइनस वन बाय टी जी, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्यू ई कॉमन ले लेते हैं तो वन बाय टी ई और माइनस वन बाय टी नॉट, ये हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू जी, है ना, ये एलसीएम हो जाएगा इसका टी नॉट टी जी, तो यहाँ पर हो जाएगा टी जी माइनस टी नॉट, ठीक है, एलसीएम करके घटा देंगे, ये क्यू ई है और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा टी नॉट टी ई, और यहाँ पर हो जाएगा टी नॉट माइनस टी ई, ठीक है। तो ये देखिए टी नॉट इधर भी है और टी नॉट इधर भी है, दोनों कट जाएगा, क्यू जी को इधर ले आते हैं इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर टी जी माइनस टी नॉट बाय टी जी ये तो पहले से ही है इधर। अब ये वाला अगर ये वाला टर्म जो है इस साइड आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी ई ऊपर चला जाएगा और टी नॉट माइनस टी ई जो है ये नीचे आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा क्यू ई बाय क्यू जी। देखिए अभी हम लोग जो है क्यू ई बाय क्यू जी
यहाँ पर जो है क्यू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय क्यूजी है ना। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है, यहाँ पर क्यू ई ही रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, यानी क्यू ई ही क्या है, क्यू ई बाय क्यू जी ही रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो गया। और ये दोनों का रेशियो क्या हो गया, सीओपी ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। तो यहाँ जो हमें रेशियो मिला है क्यू ई बाय क्यू जी, यही हमारा क्या हो गया, सीओपी हो गया। यानी कि सीओपी जो हो जाएगा हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का, वो हमारा हो जाएगा पी जी माइनस टी नॉट बाई टी जी है ना, और इंटू टी ई बाय टी नॉट माइनस टी ई। ये हमारा क्या आ गया, सी ओ पी आ गया किसका, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, जब हमारा टोटली प्रोसेस क्या हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तभी ये सी ओ पी की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला वैलिड है। तो इस तरह से हम लोग वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का सीओपी निकाले। इसमें देखिए कुछ एनालिसिस करते हैं, जैसे हमारा सोर्स, अगर हम लोग सोर्स और सिंक की बात करें तो सोर्स है हमारा जनरेटर टीजी, जो जनरेटर टेम्परेचर है ये हमारा सोर्स हुआ जहाँ से हीट सप्लाई होता है। और जो सराउंडिंग है इसको हम लोग सिंक कहते हैं। तो सिंक हो गया ये टी नॉट जो है सराउंडिंग टेम्परेचर, जो कि सिंक है जिसमें हीट रिजेक्ट हो रहा है, सोर्स से हीट आती है और सिंक में रिजेक्ट होता है। तो अगर हम लोग टी जी माइनस टी नॉट बाई टी जी को अगर हम लोग सिंप्लीफाइड करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी नॉट बाय टी जी। देखिए 1 माइनस जो सिंक का टेम्परेचर बाय सोर्स का टेम्परेचर, ये जो टर्म होता है वो हमारा इफिशियंसी होता है हीट इंजन का। हम लोग हीट इंजन के इफिशियंसी निकाले थे तो 1 माइनस T2 बाय T1 आया था। T1 वहां पर हीट सोर्स था और T2 सिंक का टेम्परेचर था। तो हीट इंजन का जो इफिशियंसी हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस T0 बाय TG जो है, यहाँ पर ये टर्म जो है ये क्या है, एक हीट इंजन का इफिशियंसी है। दूसरी तरफ यहाँ पर टी ई बाई टी नॉट माइनस टी ई इवेपोरेटर टेम्परेचर हो गया, जो कि एक लोअर टेम्परेचर हो गया है ना, और टी नॉट जो कि एक सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो ये जो टर्म होता है, हम लोग पढ़े थे जो सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर निकाले थे, तो T2 बाय T1 माइनस T2 ये क्या था, सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर था है ना, कि लोअर टेम्परेचर जो सिंक का टेम्परेचर बाय सोर्स टेम्परेचर माइनस सिंक के टेम्परेचर। तो ये टी ई बाय टी नॉट माइनस टी ई जो है ये क्या है, सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि देखिए ये टर्म जो है, ये टर्म इफिशियंसी है हीट इंजन का, और ये टर्म जो है ये सी ओ पी है रेफ्रिजरेटर का। इसका मतलब ये हो गया कि जो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का जो सी ओ पी होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है हीट इंजन के इफिशियंसी का यानी और सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर। मतलब वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल वी ए आर सी, ये जो होता है कॉम्बिनेशन होता है किसका, हीट इंजन का प्लस रेफ्रिजरेटर का। ये दोनों का ही क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो इस तरह से हम एक रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर जो कि वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल पे काम कर रहा है, उसका हमने सीओपी का डेरिवेशन किया, और ये सीओपी की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड किए है ना। और ये सी ओ पी हम तभी यूज करेंगे जब वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो, या फिर मैक्सिमम सी ओ पी हमें निकालना हो, या फिर कारनोट सी ओ पी जो हम कहते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल के लिए, वो ये तीनों का तीनों एक ही टर्म हुआ, और तीनों के लिए यही फॉर्मूला हो गया, टी जी माइनस टी नॉट बाई टी जी और इंटू टी ई बाई टी नॉट माइनस टी ई। टी जी जनरेटर टेम्परेचर, टी नॉट जो है सराउंडिंग टेम्परेचर, और टी ई जो है इवेपोरेटर टेम्परेचर। तो इस तरह से हम सीओपी फाइंड करते हैं।